ये टी शर्ट कितने का है भाई साहब? 300 रुपए का है भाई साहब। 200 में दीजिएगा तो बोलिए। अरे भाई साहब, 300 का माल 200 में आपको कैसे दे दे? इतना मार्जिन थोड़ी ना होता है टी शर्ट वगैरह में। अरे वो हमको नहीं मालूम, मेरे पॉकेट में 200 रुपया है, देना है तो दीजिए नहीं तो चले। अरे भाई साहब, जब ये 200 रुपए का टी शर्ट है ही नहीं तो हम 200 में आपको कैसे दे देंगे? ऐसे भी अपने यहाँ पे फिक्स रेट है, बार्गेनिंग नहीं होता है, वहाँ स्टिकर लगा हुआ है देखिए। अरे भाई साहब, आपके पास तो फिक्स रेट है ना? हमारे पास फिक्स पैसा है, 200 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा नहीं है तो कैसे देंगे? उधार दीजिएगा तो बोलिए। अरे ये बोहनी के टाइम में भी कैसा कैसा अल्टर कस्टमर सब आ जाता है, इतना बार्गेनिंग करता है और लाता भी है पैसा 200 रुपया नाप के भिखमंगा लोग की तरह। अब क्या करें, दे देते हैं नहीं तो पूरा दिन खराब जाएगा, बोहनी बेकार हो जाएगा। तो ठीक है भाई साहब, ले लीजिए। भाई साहब टी शर्ट दिखाइए तो बढ़िया सा हमारे लिए। हाँ ये देखिए भाई साहब, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का टी शर्ट है, ये टी शर्ट धड़ाधड़ बिक रहा है, जो देखता है उसको पसंद आ जाता है। हाँ बोले भाई साहब, जो देखता है पसंद कर लेता है, तो अभी तक बिका कहीं नहीं आपका काउंटर से? काहे हमारा इंतजार कर रहा था क्या टी शर्ट कि हम आएंगे फिर आप हमको दिखाइएगा तब हम पसंद करेंगे तब हम लेंगे। अरे भाई साहब बिक तो रहा है लेकिन एक पीस नहीं ना मंगवाया है, बहुत सारा पीस है। अच्छा अच्छा ये बताइए कितने का है? 200 रुपए का है चाचा। 200 रुपए का टी शर्ट है, इतना सस्ता? अरे नहीं भाई साहब, 200 का नहीं है, ये 300 का है। काहे सस्ता बोल दिए तो तुरंत ही भाव बढ़ा दिए, तुम तो बहुत होशियार हो, शेयर मार्केट से भी बहुत जल्दी भाव बढ़ा देते हो। अरे भाई साहब भाव नहीं बढ़ा है, इसका कीमत ही इतना है, इसको नहीं मालूम है? तुम काहे बीच में बोलता जो तुमको मालूम नहीं है रेट? तो भाई साहब इसका बात मत सुनिए, ये गधा है। अरे पापा हमको ग्राहक के सामने गधा बोल रहे हैं, अभी तुरंत 200 रुपए में बेचे थे, हम रेट बता दिए तो हम गधा हो गए, अपने बेचे तो सही। पापा हम गधा नहीं है, 200 रुपए में भी आप बेचे हैं थोड़ा देर पहले, झूठ का बोल रहे ग्राहक को, और हमारे लिए का बोल रहे हम गधा है? आप ऐसे सबको हमारे लिए बोलेगा कि हम गधा है तो सब हमको गधा ही बुलाएगा। अरे तो करतूती तुम्हारा गधा वाला है, जब तुमको कोई चीज के बारे में नहीं मालूम है तो बीच में काहे बोलता है? कितना बार समझाया, जब दो बड़ा बात करे तो बीच में मत बोला करो। भाई साहब इसका रेट 300 है, इसका बात मत सुनिए, इसको बुद्धि नहीं है। भाई साहब हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पास बुद्धि नहीं है कि हम ये सब सुनने के बाद भी आपसे ये 300 रुपया में लेंगे टी शर्ट। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम ऐसा नहीं सोच रहे हैं, ये 300 का टी शर्ट है, इसका बात नहीं सुनिए, इसको नहीं पता है। अरे हमको पता है, हम गधा नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले आप यही टी शर्ट यही साइज का इसी कंपनी का 200 रुपया में बेचे हैं ग्राहक को, उसके पास 200 रुपया था, बेचे थे कि नहीं, झूठ मत बोलिए। अरे ये पागल काला का लूटा ग्राहक से ज्यादा तो ये बहस कर रहा है, इसको बेकारी हम दुकान पे लेके आए कि दुकानदारी सीखो? ये सही में गधा लड़का है, गधा गधा बेटा, ये तो ऐसे बात कर रहा है, ग्राहक को क्या लगेगा कि हम ठगते हैं? मेरा दुकानदारी खराब कर देगा ये पगला। तुम चुप करके बैठो, जब तक बोले नहीं बोलने के लिए तब तक बोलेगा नहीं तुम। हाँ भाई साहब ले जाइए टी शर्ट आंख बंद करके 300 रुपया में, हम आपको ठग नहीं रहे, आप एक बार पहनिए क्वालिटी देखिए तब आपको यकीन होगा। भाई साहब ऐसा है, देखिए हम किसी का कहने पे यकीन नहीं करते हैं, जो दिखता है उस पे यकीन करते हैं, और हमको साफ साफ यहाँ पे दिख चुका है और समझ में भी आ चुका है कि ये टी शर्ट 200 का है, 200 में देना है तो बोलिए। अरे देखो देखो आ गया ये भी बार्गेनिंग करने हमसे, उस समय भी कुछ नहीं कमाए थे, अभी भी कुछ नहीं कमाएंगे, अगर इसको हम टी शर्ट दे दिए तो ये सोचेगा सही में 200 रुपए का टी शर्ट था, हम ठग रहे थे, और नेक्स्ट टाइम से आएगा दुकान पे तो बहुत बार्गेनिंग करेगा, और ये सब हुआ है इस पागल के चक्कर में। गया ये ग्राहक, आज तो नहीं लेगा, अब आगे से आएगा भी नहीं, मना कर देते हैं, नहीं हो पाएगा भाई साहब, तब किसी और दुकान से ले लीजिए आप। हम समझ रहे हैं भाई साहब, आप एक बार झूठ बोल चुके हैं तो बार बार कैसे बोलिएगा, नहीं तो आपका झूठ पकड़ा जाएगा ना, ठीक है हम कहीं और से ले लेंगे। लेकिन ये बात हमको आज पता चल गया, जिस दुकान में बच्चा बैठा उसी दुकान से कपड़ा लेना चाहिए या कोई भी सामान लेना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे पता चल जाता है असली में उसका कीमत कितना है प्रोडक्ट का, क्योंकि बच्चा झूठ नहीं बोलता, वो तो भगवान का रूप होता है। वो तो हमको भी पता है भगवान का रूप होता है, हमको क्या बता रहा है, लेकिन ये मेरा काला का लूटा लड़का, ये किसी भी कीमत पे भगवान का रूप नहीं है, ये राक्षस का रूप है, राक्षस का। मन कर रहा है दे दो डंटा इसको काला का लूटा को, जाने तो दो ग्राहक को, बताते इसको। अरे काला का लूटा काय बीच में बोलता है, तुम्हारे चक्कर में चला गया ना ग्राहक, तुमको हम दुकान पे लेके आए थे दुकानदारी सीखने के लिए, बकवास करने के लिए। अरे तो दुकानदारी कैसे सीखेंगे, बात नहीं करेंगे तो, वो रेट पूछे हम रेट बताए, इसमें क्या गलत की है, और आप थोड़ा देर पहले बेचे भी तो थे 200 रुपए में। अरे बकवास बंद करो, वो रेट हमसे पूछा तो हम ना बताएंगे, तुम क्या बताया, तुमको मालूम है रेट? और उस समय 200 रुपए में बेचे का है कि बोहनी का टाइम था, बोहनी खराब हो जाता है तो पूरा दिन खराब जाता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना सबको 200 में बेचेंगे, 10 रुपया कमाएंगे क्या पीस पे? 190 रुपए में आया टी शर्ट, आप कोई भी कस्टमर आएगा उसको तुम रेट नहीं बताएगा, बता दिए और बताया रेट तो इतना जूता मारेंगे तब मुंह फुला के मत बैठे रहना, ये नहीं माँ को जाके बोलना मम्मी पापा हमको मारता है, गधा कहीं का गधा। आप हमको बार बार गधा मत बोलिए,
आप जो बार बार हमको गधा बोलते हैं, इससे हमको शंका होता है कि अगर हम गधा हैं तो हमारा पिताजी कौन है। अरे तुम्हारा पिताजी हम है, जो तुम बोलना चाह रहे हो ना हम सब समझ रहे हैं। तुम हमको क्या बोलना चाह रहे हो? तुम्हारा जबान बहुत चलता है काला कलूठा, और दिमाग भी, लेकिन फालतू काम में। और जहाँ पे दिमाग चलना चाहिए वहाँ पे भिस्कोल हो भिस्कोल। अब हम जा रहे घर, ठीक है? दुकान का ध्यान देना। बाबू जींस दिखा देता। कमर कितना है चाचा आपका? हमारा कमर बाबू, हमारा कमर 40 है। अरे तो चाचा उसको कमर काय बोलते हैं, उसको तो कमरा बोलिए ना चाचा। अरे तुम कहना क्या चाहते हो, मजाक उड़ा रहे हो हमारा? हम मोटा इसलिए, उतना भी मोटा नहीं है हम, समझे? हमसे ज्यादा ज्यादा मोटा आदमी सब घूमता है दुनिया में। कमर को कमरा बोलिए, चुपचाप से जींस दिखाओ। ये देखिए चाचा। क्या रेट है इसका? वो नहीं बताएंगे चाचा। अरे रेट का ही नहीं बताएगा, रेट नहीं बताएगा तो लेंगे कैसे? वो हमको नहीं मालूम कि आप कैसे लीजिएगा और हम आपको कैसे देंगे, लेकिन रेट नहीं बताएंगे। अरे कैसा पागल है तुम, रेट नहीं बताएगा तो हम लेंगे कैसे तुमसे सामान? तुमको रेट मालूम नहीं है क्या? अरे मालूम तो है चाचा, लेकिन बताएंगे नहीं। अरे तुम तो अजीब पागल दुकानदार है, सामान दिखा रहा है रेट नहीं बता रहा है। रेट नहीं बताएगा तो कस्टमर तय कैसे करेगा उसको क्या लेना है नहीं लेना है, और तुमको पैसा कैसे देगा? काहे नहीं बता रहे हो रेट? चाचा हमारा पापा हमको मना किया है कि तुम कस्टमर को रेट नहीं बताएगा, हमको गधा बोलता है हमारा पापा अगर हम रेट बताते हैं तो। अरे कैसा बाप है तुम्हारा, अगर तुमको रेट बताना ही नहीं है तो तुमको बैठा के कह गया दुकान पे कस्टमर को परेशान करने के लिए, अब कौन बताएगा इसका रेट? वो तो चाचा आपको पापा ही बताएंगे। हाँ तो बुलाओ पापा को, पापा कहाँ है? अरे चाचा पापा खाना खाने गए हैं, या तो जब तक वो आए तब तक आप रुकिए, नहीं तो बाद में आइए। अरे तुम ही एक दुकान खोल के कपड़ा नहीं बेच रहे हो समझे, हम दूसरा से ले लेंगे। तुम्हारा पापा का इंतजार करेंगे ना, तब तक हमको लेट हो जाएगा, हमारे पास काम धंधा नहीं है क्या? हम टकला नेता है, व्यस्त रहते हैं बहुत। और अपना पापा को ये बोलना कि हम बोल के गए हैं कि जब रेट बताना ही नहीं है तो तुमको काहे बैठा के गया दुकान पे, और तुमको गधा नहीं बोले, गधा असल में वो है। आपको भी लगता है ना चाचा कि हम गधा नहीं है? शुक्रिया चाचा। काला कद्दू हमारे पीछे कोई आया था कस्टमर? हाँ आया था पापा। हाँ तो क्या लेके गया दुकान से? कुछ भी नहीं लेके गया। क्यों उसको कुछ पसंद नहीं आया क्या? नहीं नहीं पापा, जींस ले रहा था, पसंद तो आया था लेकिन नाटक बहुत कर रहा था। हाँ यहाँ का कस्टमर का हाल ही ऐसा है, बहुत नाटकबाजी करता है, लेता 200 रुपए का टी शर्ट है और सवाल जवाब इतना करता है जैसे लगता है ताजमहल खरीद रहा है। आप समझ में आया ना, तुम्हारा पापा कितना मेहनत करता है तब जाके एक टी शर्ट बिकता है दुकान पे, और उस पे भी अगर नहीं कमाए तो फायदा क्या दुकान खोलने का? ऐसे क्या नाटक कर रहा था वो कस्टमर, क्या बोल रहा था? अरे हम उसको जींस दिखाए। हाँ जींस दिखाए तो? उसको पसंद भी आ गया जींस। हाँ फिर क्या हुआ? फिर हमसे रेट पूछने लगा। हाँ तो तुम उसको क्या बताए? हम उस कस्टमर को बताए कि हमारा पापा हमको गधा बोलता है कस्टमर के सामने, बोलता है कि हम जब तक नहीं बोलेंगे तब तक तुम किसी को रेट नहीं बताएगा, इसीलिए हम आपको रेट नहीं बताएंगे। तो वो बोलने लगा कि रेट नहीं बताओगे तो हम खरीदेंगे कैसे, पैसा कैसे देंगे? हम बोले वो नहीं, हम जानते कि हम आपको कैसे बताएंगे कैसे आप खरीदिएगा, लेकिन रेट नहीं बताएंगे क्योंकि हमको पापा मना किए, हमको गधा बोलते हैं। तो कस्टमर हमको लास्ट में ये बोल के गया कि लेना तो तुमसे हमको नहीं है जींस, गए कि तुम लोग का दुकान पागल दुकान है, और अपने पापा को बोल देना कि तुम गधा नहीं है, तुम्हारा बाप गधा है। जब तुमको रेट बताने का अधिकार ही नहीं दिया है तो तुमको दुकान पे कहीं बैठाया है, दुकान कहीं खोल के रखा है तुम्हारा बाप। अरे हम समझ गए, ग्राहक बेवकूफ नहीं था, तुम गधा था, गधा का गधा ही रहेगा तुम, और तुमको हम अपने सामने रेट बताने मना किए थे, पीछे से अकेले जब था दुकान पे तब नहीं मना किए थे तुमको, तुमको अभी हम बताते हैं। अरे अब रेट बता के क्या कीजिएगा, ग्राहक तो चला गया ना, हमको मालूम तो था रेट, आप मना किए थे तभी तो हम नहीं बताते, अगर बोले होते बता देने के लिए तो बता दिए होते, अब बता रहे हमको रेट। अरे तुमको रेट नहीं बताएंगे पागल गधा, तुम्हारा चमड़ी निकालेंगे शरीर से अभी हम। दोस्तों आप लोग को मेरा गधापंती कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके बताइए कि हमारा गधापंती कैसा लगा, हम गधाते हैं कि हमारे पिताजी। तो कद्दू जो को सब्सक्राइब कीजिए, धन्यवाद।